नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? वेरी गुड। तो हमने जो कल का पाठ पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था वर्णमाला। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं? स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर मिलकर वर्णमाला बनती है, यानी अ टू ज्ञ को हम वर्णमाला कहते हैं। उसमें अ टू अह को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अ टू अह को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हम व्यंजन किसे कहते हैं? क टू ह को हम व्यंजन कहते हैं। और संयुक्ताक्षर कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जो मैंने कल ही आपको बताया था, दो अक्षरों का मेल यानी दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। वैसे ही स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर अभी हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें अधिकतर वायु का प्रयोग करना पड़ता है, अधिकतर वायु की आवश्यकता होती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं, है ना बच्चों? तो अल्पप्राण और महाप्राण स्वरों में नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अ टू आह स्वर है, तो स्वरों में तो अल्पप्राण और महाप्राण नहीं आते हैं। लेकिन जो अपने व्यंजन है, व्यंजनों पर अल्पप्राण और महाप्राण आते हैं। इसमें अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन दोनों अलग अलग है। जैसे कि अभी मैंने बोर्ड पर क टू म तक व्यंजन लिखे हुए हैं, तो इसमें से अगर मैं क का उच्चारण करती हूँ तो उसका उच्चारण कैसे आता है? हम सहजता से क ऐसे उच्चारण करते हैं। लेकिन जब हम ख का उच्चारण करते हैं तब हमें ख का उच्चारण करते समय अधिकतर प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि ख, इसे हमें ज्यादा वक्त भी लगता है जब उच्चारण करते हैं तब इसके लिए हमें ज्यादा वक्त लगता है। तो क हम इजीली बोल सकते हैं, वैसे ही ख इसके लिए हमें थोड़ा उन व्यंजनों पर स्ट्रेस देना पड़ता है। तो क हमें अल्पप्राण में व्यंजन कौन सा आएगा? क। क के बाद ख, ख में हमें अल्प वो महाप्राण है इसलिए हमें अधिकतर वायु की प्राणवायु की आवश्यकता होती है इसलिए वो महाप्राण व्यंजन है। ग, ग का उच्चारण करते समय हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है इसलिए वो अल्पप्राण है। वैसे ही घ, घ का उच्चारण करते समय हमें अधिकतर प्राणवायु की आवश्यकता होती है इसलिए वो महाप्राण है। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों पर घेरा लगाइए। घेरा यानी आपको सर्कल करना है। वैसे ही नीचे देखिए अल्पप्राण पर आपको हरे रंग का घेरा यानी हरे पेंसिल से सर्कल करना है और महाप्राण व्यंजनों पर लाल कलर के कलर पेंसिल से आपको सर्कल यानी घेरा लगाना है। समझ गए बच्चों? तो आपके जब आप क्लास वर्क में जब ये नोट्स लिखोगे यानी कि फर्स्ट क्लास के जो आपके बुक्स है उसमें जब आप ये नोट्स लिखोगे ब्रॉड रूल बुक में तब आपको ऐसे ही लिखना है अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों पर घेरा लगाइए। और क टू घ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको च छ ज झ लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के ट ठ ड ढ लिखना है। एक लाइन छोड़ के त थ द ध न लिखना है। फिर से एक लाइन छोड़ के प फ प फ म लिखना है। और नीचे अल्पप्राण ग्रीन सर्कल यानी
ग्रीन कलर के पेंसिल से आपको सर्कल यानी घेरा लगाना है और महाप्राण रेड कलर के पेंसिल से घेरा लगाना है। और हमेशा की तरह मैंने जैसे आपको बोला है क्लास वर्क में लिखते समय नीचे की 3 लाइंस छोड़ देनी चाहिए, वैसे ही नीचे 3 लाइंस आप छोड़ दोगे। तो चलिए अभी हम घेरा लगाएंगे अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों पर। पहले मुझे बताइए इसमें से अल्पप्राण व्यंजन कौन से है? हाँ आप सही बोल रहे हो, क अल्पप्राण है, ग अल्पप्राण है, च अल्पप्राण है। तो हमें क पर कौन सा घेरा लगाना है? ये कौन सा रंग है? ग्रीन यानी हरे रंग का घेरा लगाना है। ग पर आप कौन सा घेरा लगाओगे? हरे रंग का ग। च पर फिर से हमें कौन से रंग का घेरा लगाना है? हरे रंग का। ज पर कौन से रंग का घेरा लगाओगे? हरे रंग का। तो इसमें से बचे हुए व्यंजन कौन से है? ख। तो ख के लिए हमें कौन से रंग का घेरा लगाना है? जैसे कि अभी आप मुझे बोलो ख उच्चारण करते समय हमें ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ख को महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। घ ये भी महाप्राण व्यंजन है। तो अभी आप बोलिए नेक्स्ट लाइन पर छ और झ व्यंजन बच गए हैं, तो वो भी किस में आएंगे? महाप्राण, महाप्राण। तो आगे की जो लाइन है उसमें ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। अभी आपने देखा बच्चों ट के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, जब मैं ट का उच्चारण कर रही हूँ तब मैं बहुत ही इजीली यानी सहजता से ट कह रही हूँ, लेकिन जब ठ का उच्चारण कर रही हूँ तब ज्यादातर समय लगता है और प्राणवायु की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ये महाप्राण है। तो बच्चों इसमें अल्पप्राण कौन सा है? करेक्ट। तो महाप्राण कौन सा है? ठ। राइट आंसर। अल्पप्राण कौन सा है? अगेन ड अल्पप्राण और बाद में ढ महाप्राण है। वैसे ही अगली लाइन में त क्या आएगा? त व्यंजन कौन सा है, अल्पप्राण है या महाप्राण है? त व्यंजन अल्पप्राण है। और थ व्यंजन महाप्राण है। फिर से द का उच्चारण करते समय हमें कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए वो अल्पप्राण है। ध महाप्राण। न अल्पप्राण। फिर से बोलिए प अल्पप्राण। ठ महाप्राण। ब अल्पप्राण। भ महाप्राण। और जो ये अंतिम अक्षर बचा है, अंतिम व्यंजन बचा है म, वो भी अल्पप्राण ही है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है आज के पाठ में? अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों पर घेरा लगाना। तो अल्पप्राण व्यंजन कौन से है? क ग च ज ट ड त द न प ब म।
और मुझे बताइए महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ और भ। तो बच्चों आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा है? अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। क्या आप समझ गए हो? अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आपके क्लास वर्क बुक में फर्स्ट क्लास के पुराने बुक में आपको यह लिखना है, अल्पप्राण और महाप्राण पर घेरा लगाइए। जैसे कि मैंने लिखा है वैसे ही क ख ग घ लिख के एक लाइन छोड़ के आपको नेक्स्ट लाइन में छ छ झ झ लिखना है, वैसे ही आपको एक एक लाइन छोड़ के म तक लिखना है और नीचे लिखना है अल्पप्राण ग्रीन कलर का घेरा यानी हरे रंग का घेरा, महाप्राण रेड कलर का घेरा यानी लाल रंग का घेरा और नीचे की थ्री लाइंस आप छोड़ोगे। तो बच्चों आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।